अनिका तुम? हाँ मैं। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मैं नहीं जानती कब और कहाँ, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। I really love you. मोहब्बत करने लगी हूं तुमसे, खुद से भी ज्यादा। शादी करोगे मुझसे? मैं नहीं जानती कब और कहाँ, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आई रियली लव यू। मोहब्बत करने लगी हूं तुमसे, खुद से भी ज्यादा। शादी करोगे मुझसे? हेलो बताइए, तुम अभी तक जाग रहे हो? नहीं, मैं बस अभी सोने के लिए जा रहा था। झूठ बोल रहे हो ना? मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। मुताहिर? हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। जैसा लगता है कि तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है रेखा, मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। वैसे भी मैं सोने ही जा रहा था। अरे तुम इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने तुम्हें कोई लतीफा तो नहीं सुनाया? मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि खुद से भी झूठ बोल रहे हो। और ऐसा शायद तुम पहली बार कर रहे हो, है ना? अनिका, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूं, बाय। एक मिनट रुको, मुताहिर मेरी बात सुनो। अभी तुम मुझे कुछ कहो या ना कहो,
लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम सोच मेरे बारे में ही रहे थे। तुम्हारे दिल में भी मैं हूं और जहां तक मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पर भी ना मैं सवार हो गई। ठीक है भाई, तुम कुछ मत कहो, लेकिन मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बाय। हेलो हेलो मुताहिर, किससे बात कर रही हो अनिका? उमेर ने तो रात को घर से बाहर निकलने पे मेरी पाबंदी लगा दी है कि तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती। आप ऐसा करें कि मेरे मोबाइल पे पाबंदी लगा दें ताकि मैं किसी से बात भी ना कर सकूं। बल्कि आप ऐसा करें कि मेरे इस कमरे को ना पिंजरा बना दें, मोटी मोटी लोहे की सलाखें होती है ना वो लगवा दें, और हाँ एक बड़ा सा ताला भी लगा दें, और उसकी चाबी आप उमेर को ले जाकर दे दें ताकि किससे ही खत्म हो जाए। ये क्या बातें कर रही हो तुम तो? मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है बेटा। कल तुम्हारी माइयों है, सुबह जल्दी उठना है इसलिए सो जाओ, बस यही तो कह रही हूं। बेटे मैं ऊपर ही आ रही थी, आओ नाश्ता कर लो। नहीं मेरा मूड नहीं। क्यों क्या हुआ? तो मुझे काफी दिनों से डिस्टर्ब लग रहे हैं। मुताहिर कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द था। तो बेटे सर में दर्द था तो मुझे रात को बताना था ना, मैं मेडिसिन दे देती। वैसे ये काम तो बीवियों के होते हैं। फातिमा बहुत लापरवाह बीवी है, उसे जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हारा, मैके जाकर बैठ ही जाती है। और पता नहीं मैके में ऐसा क्या है, उसका ससुराल में दिल ही नहीं लगता। रमी मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा सुनो, टाइम से आ जाना, अनिका की मायने है, लेट जाएंगे तो भाईजान नाराज होंगे फिर। कोशिश करूंगा। वैसे अनिका अगर तुम्हारी बीवी बनती तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि अनिका तुम्हारी बीवी बने, कितना ख्याल रखती है हमारा। हमारे घर आई थी तो कितनी रौनक लगी हुई थी। अभी भी फोन आया था उसका, तुम्हारा पूछ रही थी, पूछ रही थी कि तुमने नाश्ता किया या नहीं, ऑफिस गया या नहीं। बहुत अच्छी बच्ची है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वैसे भी अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। एक बात कहूँ तुमसे, फातिमा से शादी का फैसला तुमने बहुत जल्दबाजी में किया था। काश तुम अपनी माँ की बात मान लेते तो आज हम बहुत खुश होते, और तुम भी खुश होते।
ताहिर मेरी कॉल उठाओ। हाँ याद आया, कैटरिंग वाले को फोन जरूर कर देना, उसे कहना कि रस्म शुरू होने से पहले खाना पहुंचा दे। आप फिक्र ना करें, ठीक है, सब मैं बाकी तमाम काम देखूं। अनिका किसको कॉल कर रही थी? नहीं अनिका, मैं तुम्हें खुद देखा, अभी तुम किसी को कॉल कर रही थी। अच्छा वो मैं अपनी एक फ्रेंड को कॉल कर रही थी, उसे पूछूं ना कि माइयों से कितनी देर पहले आएगी वो। आजा बेटा चाय पी लो। अम्मी अभी मूड नहीं हो रहा मेरा, अपनी अम्मी से अभी तक नाराज हूँ। अम्मी मैं आपसे भला आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ मैं? सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सबा के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? आप ही तो मेरी सब कुछ है। पता है क्या, बचपन में तुम बिल्कुल इसी तरह कहा करती थी मुझे। मम्मी अगर आप ना होती ना तो मेरे अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश ही ना होती। बिल्कुल जीना नहीं चाहती। चलो चाय ठंडी हो रही है, चाय पीते हैं। वैसे अगर इस चाय के साथ वो वाले सैंडविचेस होते तो कितना मजा आता। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बल्कि मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से सैंडविचेस बनाकर लाती हूँ। अभी आई। ओके फातिमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस होने जा रही हूँ। अच्छा, और वो मुताहिर कहाँ है? उन्हीं का तो वेट कर रही हूँ, कब से फोन कर रही हूँ उठा ही नहीं रहे। से ख्याल रखो थोड़ा सा, तुम अपने मियो को फोन कर रही हो, वो फोन नहीं उठा रहा, कहीं कोई चक्कर शक्कर तो नहीं चला रहा किसी से? मुताहिर तुम्हारे जैसे नहीं है, वो वफा करना जानते हैं, मुझे उन पर पूरा यकीन है। I'm sorry, उमेर, मेरी बात का वो मतलब नहीं था, अचानक से मुंह से निकल गया। खैर कोई बात, अच्छा है ना, जो तुम्हारे दिल में होता है वो तुम अपनी जुबान पर ले आती हो। अच्छा खैर ये छोड़,
ये बताओ मैं लग कैसा रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो, बल्कि बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार तारीफ चुकी है तुमने। मेरा मतलब कि जिंदगी में पहली दफा तुमने मेरी तारीफ चुकी है, अच्छा लगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि मर्दों को अपनी तारीफ सुनने का क्या शौक होता है। मुताहिर भी ना, उनका दिल चाहता है कि मैं हर वक्त उनकी तारीफें करती रहूं। जब वो मेरे लिए कुछ लेकर आते हैं ना और मैं कुछ ना कहूँ तो उन्हें लगता है कि मुझे अच्छा ही नहीं लगा। फातिमा बेटा, जरा एक नजर अनिका को तो देखो, तैयारी शुरू की उसने कि नहीं? जी ताई, मैं देखती हूँ। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। यहीं रुको बेटा, मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी। शाहीन, एक बार मुताहिर देख लो, कंप्लीट है ये, ताकि मैं आगे फाइनेंस में फॉरवर्ड कर दूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम इसे फॉरवर्ड कर सकते हो। ये किसकी कॉल आ रही है? कौन है ये? कहीं भाभी से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मुताहिर, मैं सुबह से कई बार देख चुका हूँ, ये मुसलसल कॉल आ रही है, तुम इसकी कॉल पिक नहीं कर रहे। ऐसे एक रॉन्ग नंबर, समझाओ ये फाइल, आगे फॉरवर्ड करो। चलो मैं पढ़। हेलो मुताहिर, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? कहाँ हो तुम? क्या बात है अनिका, तुम क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं कितने बड़े गर्व से गुजर रही हूँ ये बात जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे जवाब की मुंतजिर हूँ और तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? अनिका, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारी वजह से मैं कितना स्ट्रेस्ड आउट हूँ। और जो मुझ पे गुजर रही है वो तुम नहीं समझ रहे। मैं उमेर से शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसके बावजूद। अनिका, तुम्हें मुझसे मोहब्बत? तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मुताहिर? ठीक है अनिका, तुम्हें मेरा जवाब सुनना है तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फातिमा मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी बीवी है, मेरे लिए इतना ही काफी है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जज्बाती फैसला है। अगर इतनी मोहब्बत थी तो पहले ही तुम इनकार ना करती शादी के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी थी और मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन सच तो यही है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। किससे बात कर रही हो अनिका? खामोश क्यों? किससे कह रही थी? किससे मोहब्बत करती? देख लो सब सही। ये क्या, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई, यहीं खड़ी हो, मेहमान आ जाएंगे। फातिमा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अनिका को तैयार करवा दो, लेकिन तुम तो खुद यहां बातें करने लगी। जल्दी करवा लो प्लीज। जी चाची। बताया नहीं अनिका, किससे बात कर रही थी? दी दोस्त से बात कर रही थी। तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। अनिका, उमेर बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अब प्लीज दोबारा कोई गलती मत करना। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ? मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, आने वाले वक्त में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है। तुम उमेर को चाहती थी ना? देखो अल्लाह तुम्हारी कितनी बड़ी ख्वाहिश को पूरी कर रहा है, सुन ली उसने तुम्हारी दुआ। तो फिर दुआ करूं कि जो मैं चाहती हूं वो मुझे हासिल हो।
I really love you. मोहब्बत करने लगी हूँ तुमसे. शादी करोगे मुझसे? तुम्हें भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं. सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जज्बाती फैसला है. अगर इतनी मोहब्बत थी तो पहले ही तुम इनकार ना करती शादी के लिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी थी और मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी. लेकिन सच तो यही है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी. अनिका, अरे वाह, माशाल्लाह, पुप्पो सदके, पुप्पो बारी, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो. मेरी तो नजर नहीं टिक रही तुम पर, इतनी अच्छी लग रही हो. काला टीका लगाया है ना? सदके, बहुत प्यारी बेटी है मेरी. फातिमा, तुम अभी तक ऐसे बैठी हो, तुम नहीं तैयार हुई हो? रसम शुरू होने वाली है, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? अल्लाह, बहुत सुस्त है ये लड़की. जी वो मैं अनिका को तैयार कर रही थी ना, बस अभी हो जाती हूँ. जल्दी से जाके तैयार हो और एक बात का ख्याल रखना, हील मत पहन लेना. याद है ना डॉक्टर ने मना किया है? ये ना हो खुशी के मौके पर तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत खड़ी हो जाए. जल्दी से जाओ. मुताहिर अभी तक नहीं आया? बेटे मैं भी यही सोच रही थी कि अभी तक आया नहीं. अच्छा चलो, हम दोनों एक अच्छी सी पिक्चर बनाते हैं. बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हूँ. लग रही हो ना दुल्हन की पुप्पो? आप सिर्फ मेरी पुप्पो नहीं, मेरी माँ की तरह हैं. जीती रहो, पुप्पो भी तो माँ ही होती है.
फुपो? फातिमा? बेटा मुताहिर नहीं आया अभी तक, इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। फुपो मैं खुद बहुत परेशान हूँ, कब से उन्हें फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। एक बार फिर से फोन करो, शायद अब उठा रहे। हेलो हेलो मुताहिर, आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? यहाँ पे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे? सॉरी फातिमा, प्लीज अम्मी को बता देना कि मैं नहीं आ सकूँ। क्या क्या कह रहे हैं? मुझे दो, मेरी बात करो। पप्पू से बात करें। हेलो मुताहिर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कहाँ हो तुम? सब यहाँ तुम्हारा पूछ रहे हैं। अम्मी मैं नहीं आऊँगा। क्यों? तुम्हें पता है ना भाईजान कितना नाराज होंगे। अम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। बाद में बात करता हूँ आपसे, खुदा हाफिज। हेलो मुताहिर, मुताहिर क्या हुआ? साइमा मुताहिर कहाँ है? भाईजान मुताहिर ने आना था लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होगी इसलिए वो नहीं आ पाएगा। तबीयत खराब हो गई, मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा था कि ऐसा होना है। मुताहिर हमें अपना समझता ही नहीं। नहीं भाईजान ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, आप बड़े भाई हैं मेरे। वो अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई है, वरना उसने जरूर आना था। अरे ये सब बातें हैं, इस घर से मुताहिर का एक नहीं दो रिश्ते हैं। भांजा है वो मेरा, दामाद है इस घर का। अगर उसे जरा सा भी एहसास होता ना तो सुबह से इसी घर में होता, काम कर रहा होता वो। सूर आप भी हद करते हैं, मौका महल देख के बात किया करें, सब लोग देख रहे हैं। पहली देर हो चुकी है रस्म करने के लिए। साइमा चलो, तुम भी चलो, चल के रस्म करवाओ। फातिमा आओ बेटा। चलो।